हाँ तो फ्रेंड्स, आज की इस पावरफुल वीडियो में आप में से बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन था और मेरे कई फ्रेंड्स ने मुझसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई आई ग्लासेस आर सो एक्सपेंसिव, मतलब कि चश्मे इतने महंगे होते क्यों। हाँ फ्रेंड्स, क्या मैंने जब बहुत से लोगों से बात की, हमारे कस्टमर भी हमसे बहुत सी बार पूछते हैं कि भैया चश्मे इतने महंगे कब से हो गए और क्या वजह है चश्मों के महंगे होने के पीछे। हाँ फ्रेंड्स, क्या तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा और जानने को मिलेगा कि क्या चश्मे सही में महंगे हैं, रियली चश्मे क्या महंगे हो गए हैं या फिर यूँ ही लोगों की सोच है। और आज के इस वीडियो में आपको पूरी असली सच्चाई बताऊंगा कि क्या है चश्मे के पीछे की असली सच्चाई, कि क्या चश्मे सही में महंगे हो गए हैं या केवल केवल आपकी ये सोच है। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पूरा कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। तो चलिए बिना किसी टाइम इसके शुरू करते हैं, चलिए पिंक फैमिली शुरू करते हैं। तीसरा, हाँ तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं आपको मैं एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पेन है, पेन 2 रुपये का भी आता है, 2000 रुपये का भी आता है। हाँ फ्रेंड्स, क्या अब ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको चश्मा महंगा लग क्यों रहा है। तो इसके पीछे का पहला कारण ये है कि आपकी इनकम अगर कम होगी, मीन्स किसी व्यक्ति की इनकम अगर 10-20-30 हज़ार रुपये है तो उसे चश्मा अगर बनवाने जाता है तो 1500-1500 रुपये का चश्मा उसे महंगा लगता है। वहीं पर अगर उसकी इनकम 4 लाख 5 लाख या 10 लाख रुपये महीना है तो उसे चश्मा महंगा नहीं लगेगा। पहली बात तो इनकम के ऊपर। अब सेकंड हम लोग इसमें बात कर लेते हैं, अगर आप लोग Tier 2 Tier 3 सिटीज से हो, मतलब कि आप लोग अगर छोटे गांव से हो या छोटे मोटे शहर से हो तो भी आपको चश्मा महंगा लगेगा। और स्वाभाविक सी बात है कि चश्मा जो अच्छी क्वालिटी का बनता है वो 1000-1500 रुपये तक का ही बनता है। हाँ फ्रेंड, क्या हमारे यहाँ पर बहुत से कस्टमर आते हैं हमसे कहते हैं कि भाई चश्मा एक काम कीजिए, हमारा नंबर है, अब हमें बताइए कि चश्मा कितने का क्या बनेगा, आप अंदाज बता दीजिए, अभी हमें बनवाना नहीं है, हम बाद में बनवाएंगे। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। हाँ फ्रेंड्स, क्या चश्मा बनवाना आपके ऊपर निर्भर करता है, किसी ऑप्टिकल शॉप वाले के ऊपर निर्भर नहीं करता है कि वो चश्मा कितने का पड़ेगा। हाँ फ्रेंड्स, क्या ये पूरा के पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा हो तो आप 200 रुपये का चश्मा बनवा सकते हैं, मतलब कि 200 रुपये का चश्मा तो नहीं बनता है पर कम से कम 500 रुपये का चश्मा बनवा सकते हैं और 5000 रुपये तक का चश्मा बनवा सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, क्या ये जितनी भी पूरी प्रोसेस रहती है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके का ग्लास पसंद करते हैं, किस तरह की क्वालिटी के फ्रेम्स पसंद करते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप में से बहुत से लोग ये क्यों बोलते हैं कि भाई चश्मा इतना महंगे क्यों है, तो ये आपकी गलत सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग छोटे मोटे शहर से हैं तो आप वहाँ पर देखिएगा कि आपको जनरली अगर आप लोग चश्मा बनवाने जाते हैं तो आपको 500 से लेकर 1000-1500 रुपये तक बड़े से बड़े चश्मा देखने को मिल जाएगा। वहीं पर अगर आप लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, दिल्ली हो गया, बम्बई हो गया, इस तरह की अगर बड़ी सिटीज़ में रहते हैं तो वहाँ पर आपको ऑब्वियसली बात है चश्मा थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं। और अगर आप लोग एक बड़े शोरूम से बनवाओगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर किसी शोरूम का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर अगर आपने एक ऐसे शोरूम पर गए जहाँ पर बहुत ही अच्छी लाइटिंग हो गई, एसी हो गया, इस तरह की एक बहुत बड़ा शोरूम है, वो चश्मे का कोई शोरूम है, वहाँ पर आप चश्मा बनवाओगे तो ये एक स्वाभाविक सी बात है कि आपको चश्मा कम से कम 3500-4000-5000 से कम का नहीं पड़ेगा। हाँ फ्रेंड्स, क्या यही है असली सच्चाई, चश्मे कोई महंगे ना थे, ना है और ना ही होंगे, इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। मतलब कि अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भैया मुझे 20 रुपये का चश्मा चाहिए तो मिलेगा क्या, तो मैं आपको बताता हूँ कि 20 रुपये का चश्मा नहीं मिलता है, विनम्रतापूर्वक मैं कह रहा हूँ। मतलब कि अगर आपका नंबर का चश्मा है, मतलब ऐसा नहीं कि सनग्लासेस 20-20 रुपये के भी मिलते हैं ठेले पे, पर मैं आपको बता रहा हूँ आपका नंबर का चश्मा है, दूर पास या कुछ भी नंबर, उससे कोई मतलब नहीं, पर अगर आपका नंबर का चश्मा है तो सबसे लो क्वालिटी का भी अगर आप लोग बनवाओगे तो कम से कम भी 500 रुपये से चश्मा बनना चालू होता है। और इट्स टोटल डिपेंडिंग ऑन यू, मतलब कि आपके ऊपर निर्भर करता हो कि आप कितने ऊपर तक चश्मा बनवाना चाहते हैं, उसमें 500 से लेकर 1000-1500 रुपये। और एक पहली बात कि बहुत से लोग कहते हैं कि भैया बहुत ही महंगा, पर आपने कभी देखा है कि उसके पीछे की फीचर्स आप लोग क्या क्या ऐड करवा रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स, क्या फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 2 रुपये वाला पेन लिया और अगर मैंने 2000 रुपये वाला पेन लिया तो अब मैं आपको पूछूंगा कि भैया इन दोनों में अंतर क्या, तो आप लोग खुद ही बता दीजिए, आप लोग खुद ही बता देंगे कि भैया इसमें उसमें फीचर का बहुत ही अंतर होगा, क्वालिटी का बहुत ही अंतर होगा। इसी तरह से चश्मा भी होता है, अगर आप लोग 200 वाला या 500 वाला चश्मा लेते हैं तो उसमें और जो आप लोग 2000 वाला 5000 वाला चश्मा लेते हैं उसमें क्वालिटी, फीचर्स वगैरह सभी चीज़ों का अंतर होता है। मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ कस्टमर एक आया, उसने मुझे बोला कि भैया मेरा बजट तो अच्छा है, आप मुझे ऐसा चश्मा दिखाइए जो कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकूं, बाहर ड्राइविंग पे जाऊं तो धूप में ब्लैक भी हो जाए, और उसके बाद मुझे एंटी ग्लेयर भी चाहिए उसमें, उसके बाद मुझे उसमें कोटिंग भी चाहिए, उसके बाद जो फाइबर का भी होना चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी होना चाहिए, मतलब आपको फीचर सभी चाहिए पर पैसे नहीं देना, तो इट ऐसा नहीं होता है। हाँ फ्रेंड्स, क्या आप खुद भी जानते हैं कि जैसे जैसे आप लोग क्वालिटी अपग्रेड करते हैं, मतलब कि जैसे जैसे आप लोग एक चश्मे में
फीचर्स बढ़ाते जाते हैं। अगर आपने एंटी ग्लेयर भी ले लिया, ब्लू कट लेंसेस ले लिया, उसमें अगर कंपनी का भी ले लिया, उस तरह के बहुत सारे फीचर्स अगर आप लोग चश्मे में बढ़ाते जाते हैं तो ये स्वाभाविक से भी आते हैं कि आपको चश्मा महंगा होगा ही। वहीं पर अगर आप लोग सिंपल सोवर चश्मा बनवाते हैं जिसमें कुछ भी नहीं, केवल कांच का चश्मा रहता है और सिंपल सोवर कोई भी 200-300 रुपये की फ्रेम लेते हैं तो 500 रुपये में आपका चश्मा तैयार हो जाता है। तो यही थी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें कि मुझे आप में से बहुत से लोग पूछते थे और मेरे फ्रेंड सर्कल में से भी बहुत से लोग पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा ये क्यों ना लोगों का डाउट सॉल्व किया जाए कि व्हाई आई ग्लासेस आर सो एक्सपेंसिव, चश्मे इतने महंगे क्यों हो गए हैं। तो यही था रीज़न, चश्मे कोई महंगे नहीं थे, नहीं है, नहीं होंगे, चश्मे सस्ते ही है, वो आपके नज़रिए के ऊपर कि आप किस तरह के चश्मा बनवाते हैं। तो आज की इस वीडियो में के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। पर वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे एक व्यूअर ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि भैया मैंने जूस भी पी लिया, करेले का जूस पी लिया, और मैं सुबह चश्मा, मतलब मैं पूरे दिन चश्मा नहीं लगाता हूँ, 2-3 दिन चश्मा मैंने लगाया है और मुझे चश्मा का जो नंबर है 2.5 है, 2.2 है, तो क्या मेरा चश्मा उतर सकता है। तो इसके ऊपर मैं बहुत ही जल्द एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगा कि किस तरह आप लोग आपके चश्मे का नंबर उतार सकते हैं। तो स्टे ट्यून जब तक के लिए। पर वीडियो को ख़त्म करने से पहले फिर एक बार और बोलना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए भाइयों, क्या कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में चश्मों से संबंधित। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।